जब हनुमान जी अयोध्या से गुजर रहे थे दोस्तों, तब भरत जी ने उनको शत्रु समझकर उन पर एक बाण से हमला किया था। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया एक स्तूप है दोस्तों, ये रहा वो स्तूप जो सम्राट अशोक ने दोस्तों बनवाया था। तो हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय दोस्तों। दोस्तों हम जा रहे हैं दोस्तों मणि पर्वत देखने दोस्तों, जहां पर बताया जाता है कि जब श्री हनुमान जी पर्वत उठाकर लेकर आ रहे थे, तब उन पर्वत का एक टुकड़ा यहां पर अयोध्या में गिरा था। तो वो देखने दोस्तों हम जा रहे हैं, और मैं साथ में आपको दिखा देता हूँ। ये कुंड है दोस्तों, दंत दामन कुंड दोस्तों। श्री राम जी दोस्तों यहाँ पर अपने दांत साफ किया करते थे, लक्ष्मण जी यहाँ पर दोस्तों, ये जो पीछे जो कुंड है। तो चलते हैं दोस्तों हम मणि पर्वत, और वहाँ से रिलेटेड कुछ रोचक बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम है गुरजीत, और दोस्तों मैं हूँ भारत यात्रा पर। भारत यात्रा का दोस्तों मेरा 35वां दिन है, और इस वक्त दोस्तों मैं अयोध्या में दोस्तों इस वक्त दोस्तों मैं मणि पर्वत के पास दोस्तों, जो मैं मेरे पीछे है। जो मणि पर्वत के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, बने रहना दोस्तों ब्लॉग में। और अभी हम दोस्तों ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, वहाँ पर दोस्तों हम दर्शन करेंगे, मंदिर बना हुआ है दोस्तों वहाँ पर। इस वक्त दोस्तों मैं मणि पर्वत पर दोस्तों, मणि पर्वत के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मणि पर्वत क्यों कहते हैं इसको, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं दोस्तों। दोस्तों जब युद्ध में दोस्तों लक्ष्मण जी दोस्तों मूर्छित हो गए थे, तब संजीवनी बूटी लेने के लिए दोस्तों हनुमान जी गए थे। और जब हनुमान जी अयोध्या से गुजर रहे थे दोस्तों, तब भरत जी ने उनको शत्रु समझकर उन पर एक बाण से हमला किया था। तब हनुमान जी घायल हो गए थे दोस्तों, और यहाँ पर रुक गए थे दोस्तों अयोध्या में, इस जगह जहाँ मैं खड़ा था। तब भरत जी को जब हनुमान जी ने सारा वाक्य बताया, तब भरत जी ने हनुमान जी से माफ़ी मांगी और उनको जाने दिया था दोस्तों। तो दोस्तों इस जगह दोस्तों जहाँ मैं इतनी ऊँचाई पर हूँ, यहाँ दिखा दीजिए टीला, इस जगह पर दोस्तों जो हनुमान जी पर्वत उठाकर ले जा रहे थे, उसका एक टुकड़ा है दोस्तों वो यहाँ पर गिर गया था दोस्तों। और इस जगह में आपको ये दिख रहा होगा ऊपर, काफ़ी ऊपर दोस्तों भाई, और एक सीढ़ी जा रही है। तो ये एक टीला बन गया था दोस्तों, इस टीले के ऊपर दोस्तों ये एक छोटा सा मंदिर है, ऊपर मैंने आपको दर्शन कराए हैं जिसके। तो ये था दोस्तों मणि पर्वत की जो जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा किया दोस्तों, बस यही इसका एक मेन मोटिव था मेरा बताने का, कि मणि पर्वत किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस वक्त दोस्तों ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये उसी दोस्तों पहाड़ का दोस्तों हिस्सा है दोस्तों, ये जो हनुमान जी उठाकर ले गए थे। और इस पर्वत से दोस्तों जुड़े कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा दोस्तों। दोस्तों मैं मणि पर्वत की दोस्तों चोटी पर हूँ दोस्तों, और ये देखिए मंदिर बने हैं दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए मंदिर है। तो मंदिर की छत पर हूँ दोस्तों, चोटी पर हूँ दोस्तों। यहाँ पर से दोस्तों आप पूरे जो अयोध्या का नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे, ये देखिए दोस्तों। और दूसरी साइड से भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो 65 फुट दोस्तों ऊँचा है दोस्तों ये मणि पर्वत, और देखिए यहाँ से दोस्तों पूरा नज़ारा आपको दिख सकता है यहाँ शहर का दोस्तों, ये देखिए।
आपको दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध भी दोस्तों 6 साल अयोध्या में रुके थे और यहीं पर दोस्तों उन्होंने दोस्तों अपने शिष्यों को धम्म ज्ञान दिया था दोस्तों। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया एक स्तूप है दोस्तों, जो सम्राट अशोक ने दोस्तों बनवाया था। तो अभी हम दोस्तों नीचे चलते हैं दोस्तों, अभी दोस्तों हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पर बंदर वगैरह भी काफ़ी हैं दोस्तों, और यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर है दोस्तों यहाँ पर, और दोस्तों यहाँ पर हमारे श्री राम जी का मंदिर है, ये मैंने आपको दर्शन करवाए थे थोड़ी देर पहले। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं दोस्तों मणि पर्वत से रिलेटेड जो मैंने आपको बताई हैं। इस वीडियो से दोस्तों हम आए थे, यहाँ से दोस्तों हम ऊपर गए थे, और ये ऊपर एक मंदिर है स्टील की चोटी पर। अभी दोस्तों हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों बनाया दोस्तों एक हिसाब का, वो उस टीले पर जो श्री राम जी की मूर्तियाँ रखी हुई है, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की, तो वहाँ पर भी दोस्तों हम माथा टेक कराए हैं दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग? अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों।